हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि फुटों के अंदर बनी हुई ड्राइंग को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट के अंदर जितनी मर्जी ड्राइंग बनी हो, आप उसको 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी ड्राइंग को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, फुटों में बनी हुई ड्राइंग को। तो दोस्त, मेरे पास ये एक फाइल है जो मिलीमीटर में बनी हुई है। तो मैंने क्या करना है, जिस ड्राइंग को मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है कि जो फुटो में बनी हुई ड्राइंग है उसको आपने कॉपी करना है। तो देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी एक मैप छोटा सा घर का बना हुआ है, तो मैं ये ऑलरेडी पहले फुटो में बना हुआ है, तो इसकी ऑल डिमेंशन जो है ये फुटो में आपको नजर आ रही होगी। तो इसको मैंने क्या करना है कि 2 मिनट में इसको मैंने जितनी भी ड्राइंग बनी हुई है, ये डिमेंशनें भी हैं, ये फुटों में बनी हुई हैं, इंचज में बनी हुई है, इसको मैंने मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है जस्ट 2 मिनट के अंदर। तो एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा सा मैं इसको आराम से करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर जो है फुटों में बनी हुई ड्राइंग जो वो मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और चाहे ये जितनी भी मर्जी पूरे शहर की, पूरी फैक्ट्री की, पूरे घर की, चाहे जिस तरह की जैसे भी ड्राइंग है, वो 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका तरीकेकार क्या है, तो ये मेरे पास बेसिकली दो फाइलें बनी हुई है, जो एक मिलीमीटर में बनी हुई है और एक जो है वो फुटो में बनी हुई है। तो मैंने क्या करना है, फुटो को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो दोस्त, आपने क्या करना है, ये एक फुटो में बनी हुई ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल सी मीन के इसको मैंने कॉपी किया और इसको ये जो बनी हुई ड्राइंग है मिलीमीटर में, इस यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो मैंने ये पेस्ट कर दिया है। तो दोस्त देखिए, ये सारी डिमेंशनें जो है पड़ी नहीं जा रही, हुआ ये है कि इसकी शेप खराब हो गई है। तो आपने किसी भी डिमेंशन को नहीं छेड़ना, किसी को भी नहीं हिलाना, किसी को भी आपने क्लिक नहीं करना, ना किसी को मूव कॉपी करना है। तो दोस्त आओ स्टार्ट करते हैं। तरीके का क्या है, आपने ये एक लाइन लगानी है जहां पे कोई भी आप एक फेस ले लें। मैं आपके सामने ये एक लाइन लगा रहा हूं, तो आप एक लाइन इधर लगा दें, कोई भी आप 2 पॉइंट ऐसे ले जिसकी मैच, जहां पे आपको पता हो फुटों में कि ये इतनी थी। तो दोस्त ये मुझे पता था कि ये 8 फीट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 फीट है। तो ये मैंने 2 लाइनें लगा दी हैं। तो मैंने क्या किया, इस 8 फीट को जस्ट मैंने मिलीमीटर बनाने हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया, तो मैंने क्या किया, 8 × 12 मीन के 12 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। तो 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 12 × 18 = 96, 96 जो है वो आपके इंचेस बन गया। तो 1 इंच के अंदर ये कंफर्म है कि 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई 25.4 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 2438.4 मिलीमीटर। ये जेहन में रखे। तो आपने क्या करना है कि इस लाइन को आपने ऑफसेट फेंक देना है, ओ इंटर 2438.4, ये जो आपका आंसर आया था ये इसका मैंने क्या किया, मैंने ऑफसेट फेंक दिया, ये वाला उसका ऑफसेट आ गया। तो अब आपने SC लिखकर स्केल की कमांड है, ये आपने इसको सिलेक्ट कर लेना पूरी ड्राइंग को। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद ये जो 2 आपने लाइनें लगाई, इसका ये पहला फेस लेना है और रेफरेंस वो आपसे पूछ रहा, आर इंटर, जस्ट आपने आर लेकर इंटर कर देना है। इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इसको आगे क्लिक कर देना, फिर आपने वापस आ जाना इस पॉइंट पे, इसको क्लिक कर देना, फिर आपने जो ऑफसेट फेंका है वो ये वाला, इसके ऊपर आके आपने जो है वो क्लिक कर देना। तो ये जितनी ड्राइंग आपकी है ये सारी की सारी जो है स्केल के ऊपर ही मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। जो मर्जी आप डिमेंशन को चेक कर सकते हैं, आप उसका तजिया कर सकते हैं, आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो ड्राइंग आपको मैं रीचेक भी कराता हूँ। तो जो आपने ये इजाफी लाइनें लगाई थी, ये 2 ही मैंने लगाई थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया।
तो इसको डिलीट करने के बाद क्या किया हमने, अब ये चेक करना है क्या ये कन्वर्ट ड्राइंग उसी तरह होगी जैसे मैं कह रहा था कि 2 मिनट के अंदर ये ड्राइंग जो है वो फुटों वाली जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने उसको रीचेक करना है कि जैसे ये वाली पैमाइश 6 फीट 3 इंच है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 फुट 3 इंच है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट चेक करने के लिए, ये हो तो गई है बस चेक करने के लिए मैं उसको दोबारा आपको बताता हूँ। तो मैंने फिर कैलकुलेटर लिया, तो ये हमारे पास 6 फीट है, ठीक है। तो 6 फीट 12 मल्टीप्लाई मैंने 12 के साथ किया, वो 72 जो है इंचेस बन जाएंगे। इंचेस को मैंने क्या किया, अब ये जो 3 इंच हमारे पास ऑलरेडी पहले है, तो मैंने क्या किया प्लस मैंने 3 इंच इसमें जमा कर दिए, तो हमारे पास 75 जो है हमारे पास इंचेस बन गए हैं। तो 75 इंचेस को मैंने अब क्या करना है मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं, ये जेन में कर ले। तो मैंने मल्टीप्लाई 25.4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1905, ठीक है, 1905 हमारे पास मिलीमीटर आ जाएगा। ये मैं जस्ट चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो तो गई है, तो मैंने यहां से लेके यहां तक जो पैमाइश है वो हमारी 1905 मिलीमीटर होने चाहिए, तो फिर हमारी ड्राइंग जो है ये सही कन्वर्ट हुई। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं पैमाइश लेता हूँ, तो ये देख लें दोस्त कि ये 1905 मिलीमीटर है। तो ये जितनी हमारी ये ड्राइंग थी ये हमारे पास जो है ये मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी। इसकी ऑल डायमेंशन जो जो भी आप लेंगे तो दोस्त वो हमारी मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी। जैसे यहां से लेके यहां तक का फासला जो है वो आपका 3962 है, तो दोस्त पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गई है। जैसे अब मैं एक और आपको प्रैक्टिस के लिए दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक ड्राइंग पड़ी हुई है, ये 5 मरले का मैप पड़ा हुआ, तो मैंने क्या किया ये 25x45 है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट एक मिनट, मैंने क्या किया कंट्रोल सी किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं दूसरी फाइल के अंदर आ गया, यहाँ पे आके मैंने क्या करना है जो हमारी ये फाइल बनी हुई है मिलीमीटर की, इसके अंदर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये हम मैंने दो, एक ये लाइन लगाई रेफरेंस पॉइंट के लिए, एक ये लगाई, तो ये हमारे पास 12 फुट है यानी 7 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने जस्ट ये एक चीज जेहन में रख ले कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है वो 7 फीट को आपने फुटों को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर, बस यही आपने करना है एक काम के कैलकुलेटर लिया मैंने 7 × 12 × 25.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 33.6। तो मैंने क्या करना है इस पहले वाली लाइन को ऑफसेट 21 33.6 का मैंने ऑफसेट लिया, ये आके मैंने ये फेंक दिया, तो ये आ गया। तो एस सी इंटर, ये देखिए यहां से मैंने इसको पकड़ना है, ये वाला क्लिक किया, आर इंटर किया, इस फेस पे आ गया, इसको आपने फिर वापस पहले वाले फेस पे आ जाना, और जो आपने क्लिक किया ऑफसेट फेंका तो वहां पे आके आपने उसको क्लिक कर दिया। तो जो हमारे पास ये वाला 25 था, तो आप इसको रीचेक कर सकते हैं, 25 × 12 और ज़रब आपके पास आ जाएगा 25.4, तो आपके पास क्या आ गया देखे, ये भी ये आ गया 7620, ये भी देखो 7620। तो ये सेम मतलब है कि जो है वो आपकी जो डिमेंशन है वो आ गई। अब आप दोस्त जितनी भी ये वाली डिमेंशनें लेंगे तो वो आपकी स्केल के ऊपर होगी, आप जो मजीद डिमेंशन लेके उसको चेक कर सकते हैं। आपकी ऑल डिमेंशन जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी, पूरी पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट होगी। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप जितनी मर्जी बड़ी ड्राइंग हो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है, ये दो मैंने आपको करके दिखाई है कि कैसे आपने फुटों में बनी हुई ड्राइंग को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जस्ट 2 मिनट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है पूरी की पूरी ड्राइंग। तो दोस्त आप इसको वीडियो को देखें, अगर आप इसको आप खुद मैनुअल भी कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें
और दोस्त इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा और दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपसे नहीं होती या कुछ हो रहा है कोई मसला को प्रॉब्लम हो रही है या समझ नहीं आई तो दोस्त आप कमेंट्स के अंदर या मेरा दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको दोबारा भी सिखा सकता हूं और जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैंने आपके सामने दो ड्रैगन फ्रूटों को मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जस्ट 2 मिनट की गेम है उसके पास। उसके बाद आप पूरा का पूरा मैप जो है वो आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो प्रोसीजर होगा वो होगा कि मिलीमीटर में बनी हुई ड्राइंग को फुटों में कन्वर्ट करने का तरीका। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह यही होगी, जो बनी हुई ड्राइंग जो होगी मिलीमीटर की उसको फुटों में कन्वर्ट करने के लिए वो भी सेम ही प्रोसीजर होगा इस तरह का। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्त बहुत सारी लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं अपनी वीडियो को लोगों को समझाने के लिए कन्वर्ट करने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या तरीके ढूंढते हैं। तो गाइज मैंने जस्ट एक डिमेंशन ये वाली 8 फीट को मैंने मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट किया और इस तरह आपने जो मैंने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया तो वो सारी सारी ड्राइंग चाहे जितनी भी बड़ी डिटेल से ड्राइंगे बनी हुई है, चाहे आपका पूरा पेज ड्राइंगों से भरा हुआ है, तो आपने 2 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी की पूरी ड्राइंग जो है वो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्त अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके दोस्त, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।